एशियन स्क्वाश टीम चैंपियनशिप जो मलेशिया के कुआलालंपुर में 30 नवंबर से शुरू हुआ था और आज 4 दिसंबर फाइनल डे में इंडियन मेंस टीम ने सिल्वर मेडल के साथ खत्म किया, जबकि कल वुमेन्स टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। मेंस टीम के लिए 6-6 टीम का 2 ग्रुप बना था, जिसमें से इंडिया का पहला ग्रुप स्टेज मैच था इराक के खिलाफ। इस मैच में इंडिया के लिए रमित टंडल, महेश और भलवन अपने अपने मैच स्ट्रेट सेट में जीते हुए 3-0 में जीता 99-39 पॉइंट के साथ ये मैच जीता था। दूसरा ग्रुप स्टेज मैच में इंडिया का मैच था फिलीपींस के खिलाफ। इस मैच में भी सौरभ घोषाल, महेश और भलवन ने अपने तीनों मैच में स्ट्रेट सेट में जीत हासिल किया 99-47 पॉइंट के साथ ये मैच भी अपने नाम किया था इंडिया टीम। फिर थर्ड ग्रुप स्टेज मैच था जापान के खिलाफ। इस मैच में सौरभ घोषाल ने 3-1 के साथ जीता था। रमित टंडन और महेश ने स्ट्रेट सेट में अपने अपने मैच जीता था और इसके बाद तीनों मैच ही इंडिया जीता था। फिर ग्रुप स्टेज का चौथा मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। इस मैच में भी सौरभ घोषाल एक जबरदस्त मैच में 3-2 में जीता। रमित टंडन ने स्ट्रेट सेट में जीता और महेश ने 1-3 में हार गया था। तो अल्टीमेटली 2-1 से इंडिया ये मैच भी जीता था। और फाइनल ग्रुप स्टेज मैच था इंडोनेशिया के खिलाफ। इस मैच में भी भलवन और रमित टंडन और महेश ने स्ट्रेट सेट में मैच जीता और अल्टीमेटली 5 में से 5 मैच इंडिया ग्रुप स्टेज में जीतते हुए टॉप में खत्म किया था ग्रुप स्टेज। फिर ग्रुप स्टेज के बाद सेमीफाइनल था हांगकांग के खिलाफ और इसमें भी सौरभ घोषाल ने 3-1 से अपने मैच जीता। रमित टंडन भी 3-1 से अपने मैच जीता और महेश के खिलाफ तो हांगकांग का खिलाड़ी डिस्क्वालीफाई कर गए थे। तो अल्टीमेटली 84-66 पॉइंट के साथ इंडिया टीम ये मैच जीतते हुए फाइनल में पहुंचा था। और फाइनल फिर आज मलेशिया के खिलाफ था और इस मैच में पहले सौरभ घोषाल ने 0-3 स्ट्रेट सेट में हारा। रमित टंडन भी 1-3 के साथ मैच हारा और महेश जो स्ट्रेट सेट में 11-9, 11-7 और 11-8 के साथ अपने नाम किया है। तो अल्टीमेटली इंडिया टीम इस मैच को 1-2 के साथ हारा और 2012 के बाद इंडिया सिल्वर मेडल के साथ यह टूर्नामेंट खत्म किया। वुमेन्स टीम का अगर बात करें तो उसमें 4-4 टीम का 2 ग्रुप बना था और जिसमें से इंडियन वुमेन्स टीम का पहले ग्रुप स्टेज मैच था फिलीपींस के खिलाफ। इस मैच में जोस्ना सुनैना और उर्वशी जोशी ने अपने अपने मैच स्ट्रेट सेट में जीती और 101 और 38 पॉइंट के साथ ये मैच अपने नाम की। दूसरा ग्रुप स्टेज मैच था ईरान के खिलाफ। इस मैच में भी जोस्ना सुनैना और उर्वशी जोशी ने तीनों मैच में स्ट्रेट सेट में अपने नाम की और 99-40 पॉइंट के साथ ये मैच भी वुमेन्स टीम ने अपने नाम की। फाइनल ग्रुप स्टेज मैच था मलेशिया के खिलाफ। इस मैच में जोस्ना एक जबरदस्त मैच में 3-2 के साथ अपने नाम की, जबकि सुनैना और उर्वशी ने दोनों मैच स्ट्रेट सेट में हार गई है। तो अल्टीमेटली ये मैच 1-2 से हारा और ग्रुप स्टेज में सेकंड पोजीशन में वुमेन्स टीम ग्रुप स्टेज खत्म किया था। फिर ग्रुप स्टेज मैच के बाद सेमीफाइनल मैच था इंडियन वुमेन्स टीम का हांगकांग के खिलाफ। इस मैच में जोस्ना ने पहला सेट 9-11 में हारने के बाद तीनों सेट अपने नाम की और 3-1 के साथ मैच जीती थी, जबकि सुनैना ने 1-3 से हारी और उर्वशी जोशी भी 0-3 से मैच हार गई थी। अल्टीमेटली 1-2 के साथ ये सेमीफाइनल वुमेन्स टीम ने हारी और ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये टूर्नामेंट वुमेन्स टीम खत्म की। तो इसी तरह से इस एशियन टीम चैंपियनशिप लाजवाब तरीके से खत्म किया, एक सिल्वर मेडल जीती तो एक ब्रॉन्ज के साथ खत्म की।